Bismillahirrahmanirrahim. This is the second video of our second lecture and the fourth video in total. Okay, आज हम special cases पढ़ेंगे. First case है a raised to power n, b raised to power n, where n is greater than or equal to 1. मतलब n zero नहीं हो सकता, zero से बड़ा है. तो जितने a आपने लेनी है उतने ही आपने b लेनी है, इसका मतलब ये है. अच्छा, तो इसके लिए हम CFG बनाएंगे. मतलब स्टार्ट में आपने a लिखनी है या सिंगल a, डबल a, जितनी आपकी मर्जी है. लेकिन जितनी a आपने लिख ली उतनी ही b आपने लिखनी है इसके बाद. तो इस किस्म की CFG, इसके लिए CFG ये है. S is equal to a s b. S is equal to a b. अगर सिंगल लेनी है तो a b ले लो, और अगर रिपीट करनी है तो इधर अगर a लिख लिया लेफ्ट साइड, बिल्कुल पेलन रॉन्ग की तरह इसकी राइटिंग मैकेनिज्म है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेफ्ट में दोनों हाथों से लिखाई कर रहा हूँ, लेफ्ट सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, अगर लेफ्ट से a लिखना है तो राइट में मैं b लिखूंगा. फिर अगर नेक्स्ट b लिखना है तो अगेन a लिखना है तो अगेन b लिखूंगा. तो ये सिंपल सा नेक्स्ट लैंग्वेज ये है a n raised to power b, a raised to power n, b raised to power 2n. ये भी वही n is greater than or equal to 1 पे है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक a लिखना है तो राइट साइड पे आपने डबल b लिखनी है, अगर डबल a लिखना है तो चार b लिखनी है. तो इसके लिए CFG ये है. ये लूप है बार बार रिपीट होने के लिए, और ये क्या है आखिर में ख़त्म करने के लिए. तो अगर आप सिंगल लफ्स यूज करना है तो ये ले लो, अगर डबल लेने हैं तो ये रिपीट कर लो एक बार ये, और फिर एस की जगह ये. अगर तीन बार करना है तो दो बार ये कर ले, और ये आगे एग्जाम्पल इस पर मैं इस सीबीजी को मैंने इस तरह लिख लिया दो प्रोडक्शन रूल की में, सही है, ताकि इस पर मैं कोई लफ्स डराइव कर सकूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये लफ्स डराइव कर रहा हूँ, तीन ए है और फिर इसके बाद सिक्स बी है. तो इसको किस तरह ड्राइव करेंगे, इसकी ड्राइवेशन ये है. स्टार्ट वहां से लेंगे, एस इज इक्वल टू ए एस डबल बी यूजिंग प्रोडक्शन रूल 1. देन एस इस एस की जगह फिर मैंने ए एस डबल बी यूजिंग प्रोडक्शन रूल 1 अगेन. ये देखिए प्रोडक्शन रूल 1, ये अगेन प्रोडक्शन रूल 1. फिर अगेन ये हो गया चार बी जनरेट हो गई और डबल ए. तो अगर मैं ये यूज कर लूँ तो ए तीन हो जाएंगे और बी चार. तो प्रोडक्शन रूल 2 में यूज कर रहा हूँ इसके लिए, ताकि एस खत्म हो जाए और तीन ए और सिक्स बी जनरेट हो सके. तो ये आखिर में इसकी जगह ए डबल बी हो गया यूजिंग प्रोडक्शन रूल 2. तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, ये द वर्ल्ड ट्रिपल ए एंड सिक्स बी ये जनरेट हो गया. अगेन मैं आप लोगों को जो डेरिवेशन की गलतियों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये इधर आप लोगों ने क्या यूज़ करनी है, डबल एरो. इधर क्या यूज़ करनी है, डबल एरो. दिस इम्प्लाइज दैट वाला सिंबल है, इम्प्लाइज दैट. इसका मतलब ये है कि ये एस से शुरू हो गया, इधर आ गया, फिर इससे आगे ये आ गया, इससे आगे ये स्टेप आ गया. अगर आप लोग बार बार एस इधर लिख रहे हैं तो ये गलत है, ये सही नहीं है. या अगर आप लोग ये सिंगल एरो यूज कर रहे हैं तो तब भी गलत है. तो क्या करना है, इधर आप लोगों ने डबल एरो डेरिवेशन में लिखनी है. हाँ, सीएफजी में अगर आप लोगों ने डबल एरो यूज किया तब भी तो सीएफजी गलत है. तो सीएफजी में आप लोगों ने क्या करना है, इम्प्लाइज दैट. अच्छा, सीएफजी में एक दूसरी बात यह है, अगर आप प्रोडक्शन रूल के लिए नंबर दे रहे हैं तो बेहतर यह है कि आप इस तरह कर ले कि डॉट डॉट लिख ले और वन. इस तरह ना, बाज लोग इस तरह लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर प्रोडक्शन रूल के लिए नंबर देते हुए भी कि प्रोडक्शन रूल और सिंबल यूज करते हो तो थोड़ा मतलब अगर टीचर रीड कर रहा है तो जाहिर है उसको समझ आएगी, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है. तो बेहतर ये है कि आप इस तरह लिख लें,
फिर इसके लिए नंबर देने के लिए डॉट डॉट लिख लिया और वन। असाइनमेंट में मैंने देखा बाज स्टूडेंट्स ने दो कलर यूज़ किए जो बहुत अच्छा अच्छे लग रहे हैं, तो ये गुड फाइंड है अगर दो कलर सब लोग यूज़ कर ले। लेकिन याद रखना कि रेड कलर अवॉइड कर ले, खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके आप लोगों के अब होमवर्क ये है कि ये फार्मूला मैंने चेंज किया, मैंने दो एग्जांपल किए सिंगल ए सिंगल बी, सिंगल ए डबल बी, ये है सिंगल ए के लिए तीन है। आप लोग इसके लिए ट्राई कर ले, सी जी बनाए और फिर उनसे ये अल्फाज जनरेट करें, इट विल हेल्प यू दैट यू अंडरस्टैंड यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर और नॉट। अगर आप लोग ये दो ये वीडियो देख कर ई सी जी बना सके, इट मीन्स यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी ऑन माई ईमेल और आस्क द क्लास हियर। अल्लाह हाफिज़।